जी सबसे पहले जब मैं आया हूँ तो ये 6 लोग थे अंदर और सारे घर को यरगमाल बनाया हुआ था, औरतों को बच्चों को गन पॉइंट पे वो वारदात कर रहे थे इनके साथ। मैं दरवाज़ा गेट खुलवा के अंदर गया हूँ, जब मैंने देखा डाकू को मैंने फायर खोला है, फायर खोल के मैंने हैंड्स अप करवाया, ये डाकुओं ने आगे से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी है। DSP साहब भी फायरिंग करते रहे हैं, पीछे मेरे SSP साहब भी, और 40-45 मिनट फायरिंग होती रही है। 40-45 मिनट के बाद ये फायरिंग के बाद ये फिर डाकू पकड़े गए हैं तमाम के तमाम और मारे गए हैं पुलिस मुकाबला में। और वो इस तरह ये 40-45 मिनट के मुकाबले के बाद वेपन इनके पास छोटे थे, छोटे पिस्टल 30 बोर और 9। कितने बजे ये वाकया हुआ है और फायरिंग की आवाज आई, आप क्या महसूस किया कि मैं तो अपनी वो कुछ मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन, तो फायर की आवाज सुनी कोई, मैं कह 10:30 का टाइम था शायद, 10:30 का टाइम था, 9:30, अच्छा 9:30 बजे, नहीं नहीं वो डॉक्टर साहब के जाने के बाद ही ना, 10:30 के करीब था, 10:30 के करीब तो फायर सुनी, तो मैंने कहा पता करो कि क्या मसला, मैं कहा शायद कोई पटाखा पटोखे चले हुए, तो बाद में फिर ये गेट हमारा खड़का बेल हुई, तो मैंने कहा पता करो कौन है, जिसने आके देखा उन्होंने कहा जी पुलिस वाले हैं, कहते हमने अंदर आना है तो छत पे जाना है, तो मैं कहा खोल दो, वो फिर पुलिस वाले आए, वो गली को चक्कर चुक्कर लगाया उन्होंने, उनको शक था कि इधर कोई जंप कर गया हो, तो फिर उसके बाद उन्होंने वो सर्च करते रहे पुलिस वाले काफ़ी 2-3 घंटे, और उन्होंने मेरे ख्याल 5 पकड़े हैं शायद, एक का कोई कहते हैं कि पता नहीं भाग गया है या किसी के डॉक्टर, ये गंगाराम में काम करते हैं महकमा नफ्सियात साइकेट्रिस्ट जी। ये तकरीबन 10:30 बजे का वकूआ है जिसमें पुलिस को 115 कॉल रिसीव होती है। ये डॉक्टर इबाद का घर है जो कि न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं बड़े मशहूर, इनके घर 6 मुलजिमान मुसल्ला दाखिल हुए, और दाखिल होते ही उन्होंने फैमिली को यरगमाल बना लिया। इनकी बेटी जो कि ऊपर कमरे में मौजूद थी फॉर्चुनेटली वो सेफ थी, उन्होंने फौरन 115 पे कॉल की, हमें इत्तला दी, इत्तला मिलने के फौरन बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची जिसको लीड हमारे DSP और SHO कर रहे थे कंसर्न जो इकबाल टाउन के हैं। पहुंचते साथ ही जैसे ही घर के अंदर हमने एंटर किया उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि सबसे पहले हमारा काम था जो फैमिली थी उनको जो यरगमाल बनी हुई थी उनको सेफ करना, उनको किसी सेफ मुकाम पे शिफ्ट करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस कामयाब रही, हमने तमाम फैमिली मेंबर्स को सेफ मुकाम पे शिफ्ट करने के बाद डाकुओं का चूंकि फायरिंग का तबादला जो था वो चलता रहा वक्तन फवक्तन, 40 से 45 मिनट हमारा तकरीबन ये एक्सचेंज ऑफ फायर चला जिसमें 6 के 6 डाकू मारे जा चुके हैं। इनकी कोई शनाख्त हो जाएगी? देखिए अभी शनाख्त के प्रोसेस में हम अभी हैं, हमारी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो मौके पर मौजूद हैं, PFSC की टीम्स भी आ चुकी हैं, अभी हम मजीद चीज़ें चेक कर रहे हैं, इनके मजीद साथी कैसे ये आए, क्या इनका प्लान था, रैकी किस तरह से की, वो तमाम किया जाना अभी बाकी है, जैसे ही वो होगा आपके साथ शेयर कर देंगे। उम्रों के लिहाज से भी अभी चीज़ें देखी जा रही हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ एजेस के लोग हैं, इनमें कुछ यंग कुछ मिड एजेस के और कुछ ज़्यादा एज के लोग भी दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि अभी कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो कहना कबल इस वक्त होगा। थैंक यू भाई। हुआ ये है कि यहाँ 6 डाकू घुसे हुए थे और कोई ना कोई बीच में मुलव्वस है इस कार्रवाई में, जो के डाकुओं को बुलाया जिन्होंने, और डाकू जो है वो कार्रवाई डाल रहे थे, घर के अफराद भी जो है वो सेफ हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उनको सेफ किया, और ये पंजाब पुलिस का ही काम है, हमारे इकबाल टाउन पुलिस का काम है कि उनको सेफ करने के बाद फायर मारे उनको, अच्छा किया मरे, हमारे 128 उनका ब्लॉक में भी चोरी हुई, इसीलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि ऐसे लोगों को उसी टाइम मार देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है, डॉक्टर बाद मेरे हमजुल्फ हैं, हम वापड़ा टाउन में रहते हैं, हमें 10:30 बजे इतला मिली है तो हम फौरन वहाँ से क्विक रिस्पांस करके यहाँ पहुँचे, लेकिन दरमियान में हमें यह है कि मैं अप्रिशिएट करूँगा पंजाब पुलिस को कि उन्होंने इतना क्विक रिस्पांस दिया है और विद इन ए फ्यू सेकंड वो साइड पे पहुंचे हैं, और उन्होंने जो आगे से रेजिस्टेंस हुई है डाकुओं की तरफ से उन्होंने उसको काउंटर किया है और पूरी फैमिली मेंबर को सेव किया है। आई अप्रिशिएट कि उन्होंने हमारे फैमिली मेंबर को सेव किया है और बड़े सेफ एंड साउंड तरीके से इन डाकुओं के साथ उन्होंने एक्शन लिया और उनको किया है।